अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अपने डॉग को ट्रेन करना चाहते हैं, वो भी बहुत सारी अमेजिंग कमांड्स, तो इजीली आप इस चैनल के थ्रू अपने डॉग को सिखा सकते हैं और लेना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस हिंदी में। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग में। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या एज सूटेबल होती है डॉग की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन रहता है लोगों का कि कौन सी एज में डॉग की ट्रेनिंग स्टार्ट करें, तो उसी को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कैसे क्या कौन सी एज में शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जब भी आप पप लेके आते हैं, तो आते ही पहली बात तो आप 1 महीने का पप लेके आएंगे, ठीक है। आप 1 महीने का पप लेके आए क्योंकि उससे पहले आप मदर फीडिंग अच्छे से करवाइए। उसके बाद आप आते उसकी ट्रेनिंग शुरू मत करिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, छोटा बच्चा लेके आ गए 1 महीने का, उसी के ऊपर उसे सिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो आती 1 महीने का स्टार्ट मत करिए आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जब वो 2 महीने का हो जाए उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। जब वो 2 महीने का हो जाए तो उसमें भी आप क्या सिखा सकते हैं, सिट हो गया, डाउन हो गया, स्टे हो गया, ये छोटी छोटी कमांड्स होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये सिखाना है उसको नाम उसको पता चले, तो उसको अपने पास बुलाओ, उसका नाम लो, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो आपको पहले अचानक से एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, छोटी बेसिक्स पे वर्क करना है। मैंने 2-3 जो भी कमांड बताए हैं, और इससे अलग आप जैसे पॉटी ट्रेनिंग हो गई या फिर स्टॉप बाइटिंग ट्रेनिंग हो गई, इस पे वर्क करिए, ठीक है। इससे अलग जब 4 मंथ तक पहुंच जाओ, तब तक तो आप पहले छोटी छोटी बेसिक्स ही सिखाते रहिए। जैसे ये मैंने आपको बताया सिट डाउन, इन्हीं चीज़ों पर वर्क करते रहिए। जब 4 मंथ से ऊपर हो जाए तब आप एडवांस लेवल पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेनिंग की स्टार्टिंग का, कि आप 2 मंथ से स्टार्ट कर लो आराम से, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि कब तक आप सिखा सकते हैं, तो लास्ट आपका आता है 18 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी कि मान के चलिए 14 मंथ्स तक आप एडवांस लेवल तक सिखा सकते हो अच्छे से, कि एडवांस लेवल सिखा दिया आपने। उसके बाद खाली आप 14 to 18 मंथ तक बेसिक पे ही वर्क कर पाओगे। उसके बाद आप कोशिश करना कि आप खुद से नहीं सिखा पाओगे, तो आपको फिर एक ट्रेनर को हायर करना पड़ेगा। अगर मान के चलो ज़्यादा ही आपका डॉग एग्रेसिव है और 18 मंथ से ऊपर हो चुका है, तो वो आपके आप कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, वो कोई ट्रेनर ही कर पाएगा, ठीक है। या तो आप हमारे पास छोड़ सकते हो, हम लोग कंट्रोल करके आपको दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे डॉग आते रहते हैं, तो वैसे में आपका हम कंट्रोल करके दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद सिखाना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, वो आप ले सकते हो। ऑनलाइन कोर्स की फीस बहुत छोटी सी होती है, मेंबरशिप हम लोग देते हैं। तो मेंबरशिप आप ज्वाइन करने के लिए ये नंबर दे रखे हैं, इन पर मैसेज कर सकते हो, इसमें हम आपको डिटेल्स दे देंगे। ये ऑनलाइन कोर्स होता है, ठीक है। इसमें हमको वहाँ की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग आपको गाइड करेंगे अच्छे से। हमने आपको बता दिया इस तरीके से आपको सिखाना है, आपने क्या करा हमको फॉलो करके सिखा दिया अच्छे से, ठीक है। एक तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको हेल्प भी मिलेगी, खर्चा कम होगा, ठीक है, और अच्छा खासा आप सिखा दोगे। और तो मैंने आपको एज का इस वीडियो, बस मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको बस एज में क्लियर कर दूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है एज के रिलेटेड, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। इससे अलग मैं वीडियोस लाता रहूँगा, ये मेरी वीडियो बहुत टाइम बाद आई थी अकेले इंडिविजुअल की, तो मैंने अभी सोचा कि आपको एक वीडियो दूँ शॉर्ट, तो मैंने आपको ये वीडियो बना के दी। आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, ऑफलाइन कोर्स ले सकते हो। इससे अलग मैं आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम लाइव आते हैं, तो उसके लिए आप नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए पेज को, जिससे कि वहाँ भी आपको हेल्प मिलती रहे। तो यही थी आज की वीडियो, तो इस चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, आपके लिए वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।